दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आपने SBI का ATM कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया है या फिर आपने ब्रांच जाकर के अप्लाई किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपका ATM कार्ड कहाँ पे है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए बताता हूँ कि आपका ATM कार्ड वर्तमान में कहाँ पे है और किस स्टेट में आपके घर तक ये पहुँच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर खोलना है। यहाँ आकर के आपको टाइप करना है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग को टाइप कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको www.indiapost.gov.in। अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब आपको यहाँ पे अपना कंसाइनमेंट नंबर डालना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कह रहा है इंटर कंसाइनमेंट नंबर। यदि आपके पास में रेफरेंस नंबर है तो आप रेफरेंस नंबर वाला बॉक्स में टिक कर सकते हैं। ये कंसाइनमेंट नंबर कहाँ पे मिलेगा तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दोस्तों आप जब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मीडियम में अपना ATM कार्ड को SBI में अप्लाई किए होंगे, उसी समय मेरे भाई SBI की तरफ से देखिए कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में SMS आया होगा। जो भी आपके खाते के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें कुछ इस तरह का SMS आया होगा, जिसमें आपका डिटेल्स होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे केस में आया हुआ है योर SBI डेबिट कार्ड एंडिंग विथ, देखिए मतलब लास्ट का कार्ड का 4-डिजिट नंबर और साथ में डिस्पैच डेट यहाँ पे लिखा होता है थ्रू स्पीड पोस्ट। उसके बाद पोस्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हो, यही पोस्ट नंबर जो है दोस्तों ये आपका कंसाइनमेंट नंबर कहलाता है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यही आपका जो है वो कंसाइनमेंट नंबर कहलाता है। शुरू में ये JA लिखा रहता है, देख सकते हो शुरू में ये JA है और लास्ट में IN है, ठीक है। तो यही आपका कंसाइनमेंट नंबर होता है, इसी को आपको नोट कर लेना है या फिर आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए इसी कंसाइनमेंट नंबर को हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और पता करने का प्रयास करते हैं कि हमारा ATM कार्ड SBI का अभी वर्तमान में कहाँ पे है और कब तक ये हमको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंसाइनमेंट नंबर को इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे कैप्चा पूछा जा रहा है, तो कैप्चा में कह रहा है, देखिए कह रहा है इंटर द 5th नंबर, यानी इसमें से जो कैप्चा दिया गया इसमें से पांचवा नंबर कौन सा है। तो भाई पांचवा नंबर हमारा कौन सा है, 7 है। तो यहाँ पे हम क्या इंटर करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे हम 7 इंटर करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सारा डिटेल्स को आप फिल कर लीजिएगा, तो सर्च वाला बटन आपको देखने को मिलता है। सर्च वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए सर्च वाला बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद ये सर्च हो रहा है और सर्च का पॉपअप भी आप देख सकते हो चल रहा है। अभी आप देख सकते हो मेरे भाई सारा डिटेल्स खुल करके आ चुका है कि ये बुक कहाँ से हुआ। देखिए बुक्ड एट तो नोएडा BNPL SP हब से ये बुक हुआ था। किस तारीख को बुक हुआ था, तो 1 मार्च को बुक हुआ था 20:08:42, यानी 8:08:42 पे ये बुक हुआ था। डेस्टिनेशन पिन कोड लिखा हुआ, मतलब हमारा पिन कोड यानी जहाँ पे ये पहुँचना है, डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। टैरिफ चार्ज देखिए कितना पेमेंट करना पड़ा इसके लिए, तो 41.30 रुपया का। आर्टिकल टाइप क्या है, स्पीड पोस्ट का है। डिलीवरी लोकेशन देखिए यहाँ पे दिया रहता है और डिलीवरी कंफर्म डेट यहाँ पे देखिए। यही आपको मेनली ध्यान रखना होता है दोस्तों कि किस डेट को आपका डिलीवरी होने वाला है, किस डेट को आपको ये ATM कार्ड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप मेरे केस में देख सकते हो 5 मार्च का समय सीमा दिया गया था और हमें ये जो है वो मिला 10 मार्च को, ठीक है। तो वही औसतन 4-5 दिन हमें लेट मिला। तो यही आपको मेनली चेक करना होता है कि किस डेट को कंफर्म हुआ है डिलीवरी, किस डेट को आपको यहाँ पे आपका ATM कार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर ये डेट के अंदर नहीं मिलता है तो मेरे भाई आप अपने नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे आप पता करिएगा कंसाइनमेंट नंबर लेकर के, तो वो लोग बता देंगे कि आपका ATM कार्ड कहाँ पे है। नहीं तो अगर आप नहीं लाते हो तो आपका ATM कार्ड भी वापस कर दिया जाता है, ठीक है। उसे जहाँ आया था वापस वहीं पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से एक बार चेक कर सकते हो। नीचे में भी बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका डेट टाइम इवेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट स्टेटस क्या है, आइटम डिलीवर्ड लिख चुका है, तो हमको ये मिल चुका है इस कारण से ये आइटम डिलीवर्ड लिख चुका है, ठीक है।
यहाँ पे सारे डिटेल्स आप देख सकते हो, कौन से ऑफिस में मिला है, कहाँ पे मिला है, ये कंप्लीट डिटेल्स है दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो इसे आप एक बार देख सकते हो, बाकी यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डिटेल्स होता है। इस प्रकार से इजीली मेरे भाई आप चेक कर पाओगे कि कहाँ पे आपका वर्तमान में है आपका एटीएम कार्ड और किस डेट तक ये डिलीवर हो सकता है। आशा करता हूँ ये प्रॉपर जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।